आज रुद्रप्रयाग पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। मुख्यमंत्री ने पिरूल के पतियों से जन जन को जुड़ने का दिया संदेश, कहा पिरूल की सुखी पतियां ही वन अग्नि का सबसे बड़ा कारण। दस मई से शुरू हो रहा है चार धाम यात्रा, गंगोत्री यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खुले जाएंगे। केदारनाथ की जल विग्रह उत्सव पंचमुखी मूर्ति की देव डोली बनाया गया। अयोध्या में उत्तराखंड भवन निर्माण का रास्ता हुआ साफ, धामी सरकार ने आवंटित भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम करवाए, राज्य अतिथि गृह निर्माण के रजिस्ट्री प्रक्रिया हुई पूरी। सेठेरसा स्कूल में प्रतिबंधित मांस पकाने को लेकर हुआ विवाद, एक कार्यक्रम के दौरान पकाया गया था प्रतिबंधित मांस, छात्र को धर्मांतर कराए जाने का भी लगाया गया आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम खबर, आपके साथ मैं हूं वर्षा। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। सेठ थेरसा स्कूल में प्रतिबंधित मांस पकाए जाने को लेकर विवाद हुआ है। बता दें कि फिर एक बार सेठ थेरसा स्कूल में प्रतिबंधित मांस पकाने को लेकर हुआ है विवाद, और 24 अप्रैल का मामला है। 24 अप्रैल को कार्यक्रम के दौरान पकाया गया था प्रतिबंधित मांस और छात्रों के धर्मांतरण कराए जाने का भी आरोप लगाया है। बात को लेकर हुआ था बवाल, पुलिस प्रशासन ने मांस के नमूने जांच के लिए भेजा है हैदराबाद। हैदराबाद भेजे गए मांस के नमूने और जांच रिपोर्ट अभी सामने नहीं आ पाए हैं। बता दें कि स्टूडेंट्स यूनियन, गार्जियन सोसाइटी एवं गो सेवकों ने इस दौरान हंगामा किया है जमकर। सामूहिक रूप से सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है उन्होंने, साथ ही शीघ्र मामले की जाँच सार्वजनिक किए जाने की भी मांग की है। स्कूल प्रबंधन सहित प्रधानाचार्य के निलंबन की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और शिक्षा के मंदिर में धर्मांतरण जैसी बातें आई सामने। प्रतिबंधित मांस स्कूल में छात्र को परोसा गया है, परोसे जाने की उचित नहीं है और निंदनीय घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कहा है छात्र यूनियन ने। जो गौमांस परोसे जाने की सूचना के आधार पर जो अपने प्रशासन के द्वारा तहसीलदार महोदय, पशु चिकित्सा अधिकारी कारदा मैसो के द्वारा जो जांच की गई थी, वहां सैंपलिंग करी गई थी, उसके बाद वो सैंपल ऋषिकेश भेजा गया, उसके बाद हैदराबाद भेजा गया। बड़े अफसोस का विषय है कि उत्तराखंड जैसा राज्य जहां गौ मांस प्रतिबंधित है, वहां गौ मांस सैंपलिंग का कोई लैब ही नहीं है। जो गौ मांस परोसे जाने की सूचना के आधार पर। और बढ़ते दूसरी खबर की ओर, उत्तराखंड में जंगल की आग पर कांग्रेस ने जताई है चिंता। बता दें कि पौरी विधायक राजकुमार पुरी ने इस दौरान चिंता जाहिर की है। विधायक ने कहा कि समय रहते ही वनाग्नि को क्या करना होगा नियंत्रित, वरना परिणाम हो सकते हैं भयानक और गंभीर। वनाग्नि पर कांग्रेस के गणेश गोदियाल ने भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि वनाग्नि की घटनाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की उन्होंने मांग की है, साथ ही वनाग्नि को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की भी उन्होंने की है मांग। और पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता पर वनाग्नि ग्रहण लगा रहा है, कहा है उन्होंने। और बता दें कि उन्होंने उत्तराखंड में लग रही वनाग्नि को लेकर चिंता जाहिर की है। कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने उत्तराखंड में जंगल की आग पर काबू नहीं पाया गया है, पूरी विधायक राजकुमार पुरी ने इस दौरान चिंता जाहिर की है। सबसे बड़ी निधि है, संपत्ति है, वो है यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के वन, यहाँ की वन संपदा, और वो सबसे बड़ी संपदा आज खाक बन गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। इस बार बहुत भयंकर रूप से आग लगी और सब जगह लगी है, पूरे जंगल जो है स्वाह हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था अगर पहले की जाए तो इसको कम किया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम की बड़ी सफलता, हत्याकांड में शामिल एक अभियुक्त को उन्होंने किया है गिरफ्तार। आरोपी 2023 से ही फरार था, पुलिस ने आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया था। और क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल ने इस बात की जानकारी दी है और साथ ही कहा कि दिल्ली एनसीआर में अपराध को रोकने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। आरोपी कुणाल उर्फ भोला पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम की बड़ी सफलता हासिल की है और हत्याकांड में शामिल एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। आरोपी 2023 से ही फरार था, पुलिस ने आरोपी को भगोड़ा के तौर पर घोषित किया था। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली एनसीआर में लगातार अपराध को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और आरोपी कुणाल उर्फ भोला पुलिस की गिरफ्त में है।
और ढोलपुर से आ रही एक और बड़ी खबर। ढोलपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। 3 अपराधियों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। बता दें कि दिन में सूने मकानों की रेकी करते हैं चोरी और चोरों से आधा दर्जन नगभजनी की वारदातों का हुआ है खुलासा। बता दें कि चोरों से सोने चांदी के आभूषणों को भी जब्त किया है पुलिस ने। थाना निहालगंज पुलिस की महत्वपूर्ण कार्यवाही, अज्ञात चोरों का किया है पर्दाफाश। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरडा के नेतृत्व में चलाया गया है अभियान। और ढोलपुर राजस्थान में अपराधियों के खिलाफ पुलिस सख्त होते नजर आ रही है। 3 अपराधियों को पुलिस ने इस दौरान गिरफ्तार किया है। दिन में सुने मकानों की रेकी करते थे चोरी और चोरों से आधा दर्जन नगभजनी की वारदात का खुलासा हुआ है। चोरों से बरामद किए गए हैं सोने चांदी के आभूषण। और इसी बीच दिल्ली के गुरु किन्नर खुशबू ने मांगी है पुलिस की मदद। खुशबू किन्नर ने कहा कि उनका और उनके चेलों का नहीं है किसी से भी विवाद। झूठे मुकदमे में उनको और उनके चेले को फंसाया जा रहा है। कुछ किन्नर समाज के लोग पुलिस को दे रहे हैं झूठी शिकायत। और खुशबू किन्नर ने यह भी कहा कि पुलिस से निष्पक्ष जांच की उन्होंने मांग की और खुशबू किन्नर ने लगाई है इंसाफ की गुहार। बता दें कि दिल्ली में खुशबू किन्नर मांग रही है पुलिस से मदद। खुशबू किन्नर ने कहा कि उनका और उनके चेलों का किसी से भी विवाद नहीं चल रहा है और उनको झूठे मुकदमे में फंसाने का उन्होंने आरोप लगाया है। साथ ही कुछ किन्नर समाज के लोग पुलिस को झूठी शिकायत उनके खिलाफ और उनके चेलों के खिलाफ दर्ज करवाई है और खुशबू किन्नर ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। खुशबू के चेले मार गए, ना मेरे चेलों ने मारा और न ही मेरे चेलों ने मारा और न ही मेरे पोती चेलों ने और न ही मैंने। ये तो उस हिरणे से ये झूठा सच्चा केस लगवा रहे हैं और मैं कोई मेरी लड़ाई धुंध नहीं हुई, मेरे लिए कोई लड़ाई धुंध नहीं हुई। ये झूठा सच्चा केस, ये किन्नर हैं, उन किन्नरों का मैं नाम नहीं ले रही। क्या मुझे अपने मरने जीने का खतरा है? वो मुझे और मेरे चेलों को भी मार सकते हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं तो कुछ नहीं चाहती जनाब, मेरी लड़ाई धुंध है ही नहीं, तो मैं तो यही चाहती हूँ सुख शांति बनी रहे। हम तो बस यही कहेंगे, हमारी तो कोई लड़ाई नहीं उन लोगों से और जो यहाँ पे रहते हैं दिल्ली 6 के अंदर शाहगंज के अंदर, उन लोगों ने उसको चढ़ा के उसको फुसला के बहला के जिस तरह से भी करके और हमारे मेरे चेला अनुष्का और मेरी गुरुजी खुशबू और मैं एक रुखसार, हम तीनों के लिए इस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं कि इनको बिल्कुल जान से मार दो, ख़त्म कर दो। क्या वो पूरा मामला था? पहली बात तो मैं वहाँ मौजूद थी, मैं अपने गुरु दाद गुरुओं के साथ जो हम अपने काम पे जाते हैं वहाँ से वापस लौट रहे थे। तो ये तो झूठी सच्ची उन्होंने कहानी बनाई हमें झूठे केस में फंसाने के लिए और अखबार में डालने के लिए पुलिस केस की, मुझे मार गया, ये मार दिया, मुझे मार दिया कि रिक्शे से की। और एक खास खबर आपके लिए, जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में आज गरीबों को दिया गया है पट्टा और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों को दिया जा रहा है पट्टा। प्रशासन ने पट्टा प्रदान करने का काम आज से शुरू किया है। हल्दी घेरा में 47 लोगों को पट्टे का वितरण किया गया है आज और सभी को आवासीय योजना से लाभान्वित किया जाएगा। गरीबों का सपना हुआ है पूरा। उप अधिकारी रविंद्र सिंह विष्ट हिमांशु जोशी के नेतृत्व में संपन्न हुआ है ये काम और झुग्गी झोपड़ी में रह रहे आवासियों को पट्टा दिया गया है आज। आप देख सकते हैं जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में खासतौर पर गरीबों को दिया गया है पट्टा। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों को दिया गया है प्रशासन के तरफ से पट्टा। प्रशासन ने पट्टा प्रदान करने का आज से काम शुरू किया है। सभी को आवासीय योजना से भी लाभान्वित किया जाएगा और गरीबों का जो सपना है बरसों से जो सपना रहा है वो सपना आज पूरा हुआ है। उप अधिकारी रविंद्र सिंह विष्ट और हिमांशु जोशी के नेतृत्व में संपन्न हुआ है काम और झुग्गी झोपड़ी में रह रहे आवासियों को आज पट्टा दिया गया है। गरीब के लिए, लाभार्थी के लिए हम हुए और प्रधानमंत्री साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री, हमारे राज्य सरकार, माननीय धामी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए 47 लोग जिनको भूमिहीन की कैटेगरी में थे उनको हमने आवासीय पट्टे आज कब्जा दिलाया, उनका स्वीकृति तो पहले ही इसकी हो चुकी थी
आज उनको बकायदा हमने कब्जा दिलाया है मौके पे। 47 लोग हैं ये भूमिहीन, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाने के लिए भी सरकार द्वारा मदद की जाएगी। एक 2 एकड़ है देखिए पूरा, और जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो 5 लोग और इसमें हम अकोमोडेट कर सकते हैं, जिनको मतलब आवासीय पट्टे अगर बनाने हों तो उनको भी हम यहाँ पर भूमि का आवंटन कर सकते हैं। 200 स्क्वायर फीट हम प्रत्येक। और इधर राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में पार्किंग बन रही है अब बड़ी समस्या। दिल्ली में बढ़ रही वाहनों की संख्या बनी है आफत। पार्किंग न होने पर मजबूरन लोग सड़कों पर खड़े करते हैं गाड़ियां। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बनी है एक ही समस्या, दिल्ली की सड़कों पर लगी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कई बार सड़क पर जाम जैसी स्थिति भी बन जाती है। दिल्ली की खबर है आपके लिए, दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में पार्किंग अब बन रही है बड़ी समस्या। दिल्ली में बढ़ती वाहनों की संख्या अब आफत बनती नजर आ रही है। पार्किंग न होने पर मजबूरन लोग सड़कों पर खड़े कर रहे हैं वाहन, और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये समस्या बन गई है। और बता दें कि दिल्ली के सड़कों पर लगी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई बार सड़क पर जाम जैसी स्थिति भी बन जाती है। मेरा नाम रणवीर सिंह है। अच्छा, यहाँ पे कितने साल से? तो मेरे को यहाँ 11 साल हो गए हैं जी। 11 साल से गाड़ी मैं अपने घर से। कितनी दिक्कतें होती है क्या सर? इतनी दिक्कतें होती है, मैं तो कह रहा हूँ कि ना आने को जाने को ना कोई समस्या। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपके लिए, अयोध्या में उत्तराखंड भवन निर्माण का रास्ता पूरी तरह से हुआ है साफ। धामी सरकार ने आवंटित भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम करवाई है। बता दें कि राज्य अतिथि गृह के निर्माण के रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी हुई है। इस दौरान प्रक्रिया पूरी करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। मुख्यमंत्री धामी ने पुष्कर सिंह धामी ने जताया है हर्ष, राजनगरी में सबसे पहले बनाएंगे राज्य अतिथि गृह। उन्होंने कहा श्रद्धालुओं को मिलेगा इससे लाभालाभ। बता दें कि अयोध्या में उत्तराखंड भवन निर्माण का जो काम चल रहा था, निर्माण का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। धामी सरकार ने आवंटित भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम करवाई है और राज्य में अब जल्द ही अतिथि गृह बनवाया जाएगा। अतिथि गृह के निर्माण के रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी हुई है। प्रक्रिया पूरी करने वाला पहले राज्य बना है उत्तराखंड। और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने जताया है हर्षोल्लास, रामनगरी में सबसे पहले बनाएंगे राज्य अतिथि गृह, कहा है मुख्यमंत्री धामी ने, और सभी श्रद्धालुओं को इससे लाभालाभ मिलेगा। और ढोलपुर से एक बड़ी खबर आपके लिए, ढोलपुर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ बड़ा आरोप लगा है। ग्रामीणों से मसाज के लिए लड़कियां उपलब्ध कराने की मांग की है कांस्टेबल ने। बता दें बदले में 1000 रुपए देने का दिया है लालच, और गुस्साए ग्रामीणों ने एसपी से शिकायत दर्ज कराई है। कांस्टेबल ने सभी ग्रामीणों से हाथ जोड़कर मांगी है माफी घटने के बाद। और पूर्व में भी कांस्टेबल एक विधवा महिला के घर पर कूद कर गया था। मामले के बाद कांस्टेबल ने पंचायत से माफी भी मांगी थी, लेकिन इसके बाद भी गांव के जो लड़कियां हैं, गांव के लड़कियों को 1000 रुपए का लालच देकर मसाज करने का आरोप लगा है कांस्टेबल के ऊपर। खबर है ढोलपुर से, ढोलपुर पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ यह गंभीर आरोप लगा है, और ग्रामीणों से मसाज के लिए लड़कियां उपलब्ध कराने की मांग करने का आरोप है कांस्टेबल पर। और मैं गांव भरतपुरा का रहने वाला हूं कि हमारे गांव में एक राम नरेश जाटव के नाम से एक कांस्टेबल है जो कि पुलिस लाइन में कार्यरत है, और उसने गुड्डू सनोप जगदीश के फोन पे फोन करके कहा था कि हमें एक रात के लिए एक लड़की हो, कोई औरत हो, उसकी ज़रूरत है ना, उसको 1000 रुपये उसको एक रात के लिए सोने के लिए, मसाज करने के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए ज़रूरत पड़ रही है, अगर हो तो व्यवस्था करो। तो गुड्डू ने कहा था कि भाई हमारे गांव के पास में ही। प्रथम खबर में समय है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। और ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर, वाराणसी संयुक्त पुलिस टीम की बड़ी सफलता, पुलिस ने बड़े गैंग का किया है खुलासा। एटीएम कार्ड बदलकर चोरी से करता था अकाउंट खाली। बता दें कि पैसे निकालने वाले गिरोह का किया गया है पर्दाफाश। अलग अलग बैंकों के कुल 13 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं पुलिस ने। चोरी की गई स्वाइप मशीन, 4 मोबाइल और 1100 रुपए जब्त की है। साथ ही 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। बता दें वाराणसी संयुक्त पुलिस टीम की बड़ी सफलता, इस दौरान पुलिस ने एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है आज, और साथ ही एटीएम कार्ड बदलकर चोरी, धोखाधड़ी करने के मामला भी दर्ज किया है पुलिस ने।
पैसा निकालने वाले गिरोह का आज पर्दाफाश किया गया है और अलग अलग बैंक के कुल 13 एटीएम कार्ड भी पुलिस ने जब्त की है और चोरी की गई स्वाइप मशीन, 4 मोबाइलें और साथ ही थोड़ी सी कैश भी पुलिस ने जब्त की है। 3 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। और इधर मसूरी में परिवहन विभाग की कार्यवाही जारी है। किस दौरान बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर मसूरी में अलर्ट मोड पर है परिवहन विभाग। और आपको बता दें कि मसूरी यातायात नियमों का उल्लंघन, रेश ड्राइविंग के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी अब से। और कई सारे वाहनों के कटे हैं चालान, 6 स्कूटियां सीज की गई है। उत्तराखंड में जल्द शुरू होगा चारधाम यात्रा पर्यटन सीजन। परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर इस दौरान है। कई क्षेत्र में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही शुरू की गई है। मसूरी में परिवहन विभाग ने आज से ही शुरू की है कार्यवाही। यातायात नियमों का अब से नहीं कर सकेंगे उल्लंघन और रेश ड्राइविंग के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है। कई सारे वाहनों के आज चालान कटे गए हैं, 6 स्कूटियां भी सीज की गई है। उत्तराखंड में जल्द शुरू होगा चारधाम पर्यटन सीजन को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है परिवहन विभाग। के लिए जो है अपनी एक चेक पोस्ट कोठार गेट पर स्थापित की है, साथ साथ जो है विभिन्न यात्रा मार्गों पर जो है हमने जो है परिवर्तन दल जो है लगाए हैं, जो है वाहनों को जो है रोक करके चेकिंग भी कर रहा है सभी। उत्तराखंड के जंगलों में लग रही है लगातार आग और कई हेक्टर जंगल अब राख हो गए हैं, जिससे जंगल का पूरी परिस्थिति गड़बड़ा गया है और जंगली जानवर भोजन पानी की तलाश में भटक रहे हैं। पर प्रदेश सरकार की नाफरमानी के चलते विपक्ष में काफी रोष है। बता दें कांग्रेस विधायक सुमित रुदेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस समय पूरा उत्तराखंड जंगलों में आग के संकटों से जूझ रहा है। जंगलों में आग लगने के चलते प्राकृतिक संतुलन बिगड़ चुका है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है और सरकार का ध्यान केवल चुनावों पर केंद्रित है, उन्होंने कहा। और यह भी कहा कि उन्हें आम जनजीवन से कोई सरोकार नहीं है। आरोप लगाया है कि जब जंगल राख हो गए तो नोडल अधिकारी और टोल फ्री नंबर जारी कर दिए गए थे, मगर आग पर काबू पाने का कोई उपाय नहीं खोजा जा रहा है और प्रबंध भी पहले से किया नहीं गया है। उत्तराखंड प्रदेश की जनता का सामना करना पड़ रहा है। वन्य जीवों के संरक्षण की अगर हम बात करें, वन्य जीव भी ऐसे हैं जो हमारी ये संपदा है धीरे धीरे ध्वस्त और नष्ट हो रही है। सरकार बिल्कुल धुआं धुआं हो चुकी है और सरकार को कोई और इधर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में इस बार आम की फसल की अच्छी पैदावार हुई थी, लेकिन बारिश न होने के कारण आम के पेड़ों पर आई है बीमारी। बीमारी के चलते भारी तादाद में फल पेड़ों से घिर रहा है, जिसमें किसानों को भारी नुकसान होते नजर आ रहा है। वही किसानों की माने तो बारिश न होने के कारण बीमारी आ रही है और फल गिर रहे हैं पेड़ों से। अभी तक कई हजार रुपए की दवाइयों का छिड़काव फसल पर किया जा चुका है, ऊपर से बाग मालिक का भी लाखों रुपए का ठेका देना पड़ रहा है। बता दें कि किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। फल तो बहुत बढ़िया आया था इस बार और माल भी सही था, लेकिन बीमारी के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इसमें। और चारधाम यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर, चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रहा है। गंगोत्री, यमुनोत्री और श्री केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार 10 मई को खुल रहे हैं। भगवान केदारनाथ की जल विग्रह उत्सव पंचमुखी मूर्ति की देवडोली को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पैदल चलकर शीतकालीन गति स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर रुखी मठ से श्री केदारनाथ धाम तक पहुंचाते हैं और सुबह फाटा से प्रस्थान होते समय जगह जगह श्रद्धालु जन तथा स्कूली बच्चों ने बाबा केदार का जयकारा कर पुष्प वर्षा किया है। और आज रुद्रप्रयाग पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पिरूल की पत्तियों से जन जन को जुड़ने का उन्होंने संदेश दिया है। बता दें कि पिरूल की सूखी पत्तियां ही वनाग्नि का सबसे बड़ा कारण है, कहा मुख्यमंत्री धामी ने। मुख्यमंत्री ने जनता से अनुरोध किया कि आसपास के जंगलों को बचाने के लिए काम करें, वनाग्नि को रोकने के लिए सरकार कर रही है काम। पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन पर कार्य कर रही है सरकार।
बता दें कि आज रुद्रप्रयाग पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पिरूल की पत्तियों से जन जन को जुड़ने का उन्होंने संदेश जारी किया है। पिरूल की सूखी पत्तियां ही वनाग्नि का मुख्य कारण है। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि आसपास के जंगलों को बचाने के लिए काम करें। वनाग्नि को रोकने के लिए सरकार काम कर रही है और पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन भी सरकार ने किया है शुरू। और उत्तराखंड वनाग्नि को रोकने के लिए सचिवों को दी जाएगी जिम्मेदारी। और सीएम धामी ने अधिकारियों को इस दौरान निर्देश जारी किए हैं। लापरवाही बरतने पर वन विभाग के 10 कर्मियों को निलंबित किया है। और बता दें कि संलिप्त तत्वों पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, कहा सीएम धामी ने। मुख्यमंत्री ने पेयजल, मानसून सीजन और चारधाम यात्रा तैयारियों की पूरी तरह से समीक्षा की है। एक बैठक कि आयोजन किया गया है और बैठक में खासतौर पर अधिकारियों को निर्देश दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और प्रथम खबर में अब तक इतना ही। धन्यवाद।